नाज़रीन, आप देख रहे हैं केपीएन न्यूज़ एचडी और मैं हूं मदीहा साकेब। मुल्क में 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। ज़राए का कहना है कि ओगरा ने अपनी समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की सिफारिश की है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल 2-2 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ओगरा की समरी पर हतमी फैसला वजारत ख़जाना और वज़ीर आज़म की मशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मावन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि शहबाज शरीफ की जमानत मेरिट पर नहीं हुई और जमानत इसलिए हुई कि केस सुनने वाले जज साहिबान को एक माह पहले इस्लामाबाद पोस्ट कर दिया गया था। लाहौर में रमज़ान बाजार के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि किसी केस की जमानत अदालत से बरी होने के मुतारादिफ नहीं। जमानत में ये नहीं लिखा कि उन्होंने चोरी की है, डकैती नहीं की। करोना SOPs पर अब डंडे से अमल करवाया जाएगा, फिरदौस आशिक अवान। उन्होंने कहा कि पहले खामोशी, फिर PDM से अलहदगी और अब जमानत। मीम और शीन लीग खुद ही जवाब दें कि इसके पीछे क्या कहानी है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि रमज़ान बाजारों में हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। मुख्तलिफ माफिया चीनी की किल्लत पैदा कर रहे हैं। चीनी स्टॉल्स पर लगे रश करोना SOPs की खिलाफ वर्जी हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने विंडो शॉपिंग के लिए आने वाली खवातीन को मशवरा दिया कि रमज़ान बाजारों को सैरो तफरी का जरिया ना बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मुकाबला महंगाई लीग के खिलाफ है। उस्मान गुजार महंगाई के खिलाफ टफ मैच खेल रहे हैं। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहें KPN News HD।